टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने तेज गेंदबाज उमेश यादव की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस तेज गेंदबाज ने जिस तरह से टेस्ट में वापसी की है वो काबिले तारीफ है। साथ इस फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी से भी कोहली बेहद खुश हैं। बुमराह के चोटिल होने के चलते उमेश को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया था। वापसी के बाद 4 टेस्ट में 13.65 की औसत से 23 विकेट लिए थे। इसमें बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में लिए गए 5 विकेट भी शामिल हैं। उमेश यादव 23.1 की स्ट्राइक रेट से विकेट ले रहे हैं, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम से कम 4 टेस्ट खेलने वाले गेंदबाज में सबसे बेहतर है। उमेश गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची टेस्ट में उन्होंने 10 गेंदों पर 31 रन उड़ाए, जो कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 30 रन की पारी थी। इस पारी के दौरान उमेश का स्ट्राइक रेट 310 का था। उन्होंने 5 छक्के लगाए और इसमें से 2 तो उन्होंने पहली 2 गेंदों पर ही जड़ दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज के कॉफी विलियम्स की बराबरी की, जिन्होंने टेस्ट में पहली 2 गेंदों पर छक्के लगाए थे। उसके बाद अब कोहली बोल रहे हैं कि उमेश को नंबर 3 पर खिला सकते हैं। उमेश की बैटिंग के बारे में विराट कोहली ने इंटरव्यू में मजाक के अंदाज में कहा कि वो एक प्रॉपर बल्लेबाज के रूप में नंबर 3 या पिंच हिटर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विदेश में खेलने के लिए यदि हार्दिक हिट नहीं होते तो अगर 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं और केवल एक स्पिनर है तो जिस तरह से उमेश बल्लेबाजी करते हैं उन्हें नंबर 3 पर उतारा जा सकता है पिंच हिटर के रूप में। देखना होगा कोहली का ये मजाक है या फिर वो कभी उमेश को नंबर 3 पर भी मौका दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।